हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आप सब ने बाइक के हैंडल बार के दोनों एंड्स पे इस तरह के पार्ट को लगा हुआ जरूर से देखा होगा। इसे कहते हैं बार एंड वेट। और फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि मोटरसाइकिल के हैंडल बार के दोनों तरफ इन बार एंड वेट्स को क्यों दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ये जो बार एंड वेट्स है ये फालतू है, बेकार है, किसी काम के नहीं है, यूजलेस है। फ्रेंड्स, इस वजह से क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि ये जो बार एंड वेट्स है उसे खोल देते हैं या उसे रिप्लेस कर देते हैं या कभी टूट जाए तो उसे दोबारा लगाते नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो बार एंड वेट्स है ये यूजलेस बिल्कुल नहीं है, बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि देखिए, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो अपने पैसे खर्च करके आपके बाइक या स्कूटर में एक छोटा सा नट भी फालतू का नहीं देती है, तो इतने बड़े पार्ट्स को क्यों देगी। तो इन्हें क्यों दिया जाता है, सेफ्टी और कंफर्ट में इनका क्या रोल है, इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले एक गिव अवे है जिसके बारे में आपको बता देता हूं। फ्रेंड्स, चैनल पे अभी इन हेलमेट्स का गिव अवे चल रहा है जहां पे आप में से 7 लोग स्टड्स के इन हेलमेट्स को जीत सकते हो। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा इस चैनल को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। मैकेनिकल टेक हिंदी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको सिंपली इंस्टाग्राम में ही मैसेज कर देना है #7000K, तो आप इस गिव अवे में जरूर से पार्टिसिपेट कर ले। फ्रेंड्स, इन बार एंड वेट्स को देने का जो पहला और मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वाइब्रेशन डैम्पिंग। देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि जब हम लोग अपने बाइक को चलाते हैं तो बाइक को चलाते समय रोड के सरफेस के वजह से हैंडल बार में जो भी जर्क आता है, जो भी वाइब्रेशन आता है, जो भी झटका लगता है, उसे रोकने के लिए बाइक्स में क्या है कि आगे में शॉकर दिया जाता है, जो शॉक एब्जॉर्बर है वो होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इंजन का ऑपरेशन होता है और इंजन के आसपास के जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है उनके वजह से भी क्या होता है कि जो हैंडल बार है वहां पे वाइब्रेशन झटका आता है। और इंजन के तरफ से आने वाले वाइब्रेशन को रोकने में ये जो हमारे आगे का शॉकर होता है वो काम नहीं आता है। और इस वजह से ही ये जो बार एंड वेट्स है उन्हें दिया जाता है, ये इंजन के साइड से जो भी वाइब्रेशन आ रहा है उसे डैम्प कर देता है, उसे कम कर देता है। और इस तरह से राइडर को जो हाथों वगैरह में इंजन के साइड से आने वाला जो वाइब्रेशन है वो फील नहीं होता है बार एंड वेट्स की वजह से। अगर ये नहीं होगा तो फिर झटका ज्यादा लगता है। और जो अगला इंपॉर्टेंट रीजन है वो है राइडिंग कंफर्ट। अब चूंकि ये जो बार एंड वेट्स है वो जो वाइब्रेशन उसे डैम कर देता है, इस वजह से भले ही शॉर्ट राइडिंग कम दूरी तक आप चलाओ तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लगातार आप बहुत लंबे समय तक अपने बाइक को जर्नी करते हो और वहां पे जो बार एंड वेट्स वो नहीं लगे हुए होंगे तो राइडर के हाथों में ज्यादा झटका लगता है, जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो थकाने वाला हो जाता है, हैंडल बार में जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये जो बार एंड वेट्स है वो लगे हुए होते हैं तो जो लंबे समय तक आप बाइक को चलाओ तो राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतर हो जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डायनेमिक बैलेंसिंग। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने गौर किया होगा कि हर एक बाइक में ये जो बार एंड वेट्स है इनका जो शेप है, साइज है, वेट है, ये सब कुछ अलग अलग होता है, सब में सेम नहीं होता है। क्योंकि ये जो बार एंड वेट्स है वो हैंडल बार को दोनों तरफ से बैलेंस करने के भी काम में आते हैं। और चूंकि हमारा बाइक या स्कूटर वगैरह क्या है कि वहां पे तो दो ही चक्का होता है, राइडर को खुद से बैलेंस करना है, तो ये जो बार एंड वेट्स है जो कि हैंडल बार के बैलेंसिंग को बेहतर कर दे रहे हैं, इस तरह से चाहे आप हल्का चलाओ चाहे तेज चलाओ, जो आपको बाइक है वहां के जो बाइक का हैंडल बार है वहां से बेहतर बैलेंस, बेहतर स्टेबिलिटी देखने को मिलता है और ये सेफ भी हो जाता है। और अगला जो पॉइंट है वो है फॉल प्रिवेंशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से बाइक में गिर जाते हैं, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे दूसरे किसी वजह से भी हो, तो जो पहला कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ होता है वो इन बार एंड वेट्स का ही होता है। और ये जो बार एंड वेट्स है वो हैंडल बार को मुड़ने से या हैंडल बार को अचानक से अपलिफ्ट होने से बहुत हद तक रोकते हैं। और नॉर्मल अगर हम गिरते हैं तो इस तरह से जो बार एंड वेट्स है वो राइडर को कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशन दे देते हैं, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो सेफ्टी का कुशन मिल जाता है और चोट लगने से कुछ तक ये जो बार एंड वेट्स है वो बचा भी देते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो है स्लिप प्रिवेंशन। देखिए, आपने गौर किया होगा कि जो हमारा हैंडल बार है उसमें जो हमारा ग्रिप होता है, ये जो दोनों ग्रिप है और ये जो हमारा बार एंड वेट्स है इनके बीच में आप देखोगे बीच में गैप भी होता है। और जो शेप है, जो साइज है, जो डायमीटर है वो अलग होने की वजह से क्या होता है कि उस वजह से भी जब हम अपने गाड़ियों को चलाते हैं, खास करके हाई स्पीड में चला रहे होते हैं या फिर नॉर्मल स्पीड भी हो, तब भी क्या होता है कि हमें बेहतर ग्रिप मिलता है और जो हमारा स्लिप होने का चांस
चांस है वो भी बहुत हद तक ये जो बार एंड वेट्स है वो रोक देते हैं। और जो फाइनली आखिरी पॉइंट है वो है एसेसरीज अटैचमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ चाहूंगा कि देखिए हैंडल बार में चाहे आप लीवर गार्ड लगाओ चाहे फिर जो हैंडल बार का जो गार्ड होता है उससे आप लगाओ, वो भी हम इन जो हमारे बार एंड वेट्स है वहां पे आसानी से फिट कर पाते हैं, तो इसमें भी ये मदद कर देता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो देखने में तो समझ में नहीं आता कि क्यों दिया गया है, लगता है फालतू है, फालतू नहीं होता, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हालांकि मैं मानता हूं इस बात को कि अगर नहीं लगा हो तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है और इसके बारे में मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता ही दिया है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।